ग्रेटर नोएडा के खेरली भाव गांव में स्थित अमीचंद सर्वोदय कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों ने ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो दिल्ली में हुई थी उसमें जीते पदक स्कूल में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया विजेताओं का। साथियों, हम हैं मौजूद खेरली भाव गांव में। यहाँ के छात्र छात्राएं आपके सामने मौजूद हैं। इन्होंने दिल्ली में हुई ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पदक जीते हैं। इसमें गोल्ड मेडल जीता है अनन्या ने, बाकी मदीना और कई छात्रा हैं और छात्र हैं जिन्होंने पदक जीते हैं। इन सभी का कहना है कि उनकी कामयाबी में स्कूल का, उनके पेरेंट्स का और उनके कोच का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाक्षी गौतम है। सोनाक्षी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? आपके परिवार में माता का नाम, पिता का नाम? मैं खेरली में रहती हूँ और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती मोनिका देवी और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर धर्म। अच्छा, प्रतियोगिता कहाँ हुई और कौन सा पदक जीता आपने? ये दिल्ली में हुई थी और मेरा सिल्वर मेडल आया है। अच्छा, आप मंजिल है आगे, इन फ्यूचर आगे चल के मैं अपना देश का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदीना है। कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं अट्टा फतेहपुर की रहने वाली हूँ। आपके परिवार में माता जी का, पिताजी का क्या नाम है? मेरे पापा का नाम इस्तेका है, मेरी मदर का नाम नाजी शेख। अच्छा, प्रतियोगिता में आपने कौन सा पदक जीता? मैंने पदक सिल्वर मेडल जीता। अच्छा, आप पहले भी पदक जीत चुकी हो, मंडी श्याम नगर में आपका स्वागत हुआ था, वहाँ भी मैं मौजूद था, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो कामयाबी आपको मिली है इसका श्रेय आप किसे देंगी? मैं अपने कोच को और अपने स्कूल के टीचरों को और अपने माँ बाप को देती हूँ। अच्छा, मदीना क्या करना चाहती हैं आप आगे? मैं खूब ऊपर बनना चाहती हूँ। की मंजिल क्या है, क्या करना चाहती हो इन फ्यूचर? मैं अपने गांव का नाम रोशन करना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, आपके माता पिता का क्या नाम है? सर, मेरा नाम यश है, मैं खेरली भाव का रहने वाला हूँ। मेरे मम्मी पापा का नाम, मेरी मम्मी का नाम मिसेज सुनीता देवी है। मेरे पापा का। आप ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, कहाँ हुई प्रतियोगिता, कौन सा पदक जीता? सर, प्रतियोगिता हुई थी हमारी दिल्ली में, मेरा पदक आया, ब्रॉन्ज आया था। और अच्छा, ये जो कामयाबी आपको मिली है इतनी बड़ी कामयाबी का आप श्रेय किसे देंगे? सर, इस कामयाबी का श्रेय मैं अपने माता पिता को और गुरु जी को और अपने कोच सर को देना चाहता हूँ। मेरा नाम प्राची है, मैं बल्लूखेड़ा की रहने वाली हूँ। अच्छा, आपने प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? मैंने ब्रॉन्ज जीता है। अच्छा, कैसा महसूस कर रही है? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अच्छा, जो कामयाबी आपने हासिल की है इसका श्रेय किसे देंगे? मैं अपने माता पिता को, अपने टीचर्स को, अपने कोच को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनन्या है। अनन्या, आपने प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? मैंने प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। अनन्या ने गोल्ड मेडल जीता है। ये अनन्या अमीचंद सर्वोदय कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी की दुकान है। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये जो कामयाबी आपको मिली है इसकी सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, टीचर और कोचों को देना चाहती हूँ। प्रदीप जी, आपके नेतृत्व में एक बार और बेहतरीन प्रदर्शन, बच्चे बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी। क्या कहेंगे, कहाँ हुई प्रतियोगिता, कितने छात्र छात्राएं शामिल हुए और आपके जो नेतृत्व में कैसा प्रदर्शन रहा बच्चों का? सर, ये जो प्रतियोगिता हुई थी ये सादरा में 11वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी, जिसके जनरल सेक्रेटरी विपिन सर है जो ऑर्गेनाइज करते हैं। साल में एक बार कम्पिटिशन होता है डिस्ट्रिक्ट का और इसमें बच्चे स्टेट के लिए सिलेक्शन किया जाता है कि जो बच्चे का गोल्ड मेडल आता है कैटेगरी के अंदर उसको स्टेट के लिए खेलने का मौका मिलता है, उसकी कोई फीस नहीं जाती स्टेट के लिए। और अभी अमीचंद सर्वोदय कॉन्वेंट स्कूल के हमारे 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे, जिन बच्चों के अनन्या का गोल्ड मेडल आया है, मदीना सोनाक्षी का सिल्वर मेडल आया है, यश और प्राची और चंचल का ब्रॉन्ज मेडल आया है वहाँ पे। और हमारे बच्चों का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वहाँ पे कि इतने कम समय में इन्होंने इतने कम समय में ट्रेनिंग पाकर और वहाँ पे इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाना, मेडल जीतना, पदक जीतना, ये सर बहुत बड़ी बात है।
अच्छा, आगे क्या तैयारी है बच्चों की? सर तैयारी अभी यही है कि बच्चों का मेहनत चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस पे ध्यान चल रहा है और आगे के लेवल के लिए इनको तैयार किया जा रहा है। और अभी एक कंपटीशन नेशनल लेवल का आने वाला है जून के अंदर, उन बच्चों को पार्टिसिपेट किया जाएगा और मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ भी इनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहेगा। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग का जरूरत है, इनको ट्रेनिंग कराया जाएगा। और मैं थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ स्कूल के मैनेजमेंट को, डायरेक्टर सर को, प्रिंसिपल सर को, कि बच्चों के लिए वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को गेम को भी आगे लेकर चल रहे हैं कि बच्चे अपना गेम में भी हुनर दिखाएं और अपना फ्यूचर संभालें गेम के अंदर। और ये टाइकोंडो गेम है, ये इस क्षेत्र के अंदर लोग इसको कम जानते हैं, जैसे कि टाइकोंडो गेम के अंदर भर्ती निकलती है, वैकेंसी निकलती है इंडियन आर्मी में, जो कि वो चिल्ड्रन वैकेंसी होती है, इसमें 8 साल से 14 साल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट कंपलसरी होना चाहिए और पदक जीता हुआ होना चाहिए। तो बच्चों के लिए सुनहरा अवसर मिलता है उनको कि वो इंडियन आर्मी में ज्वाइन करें अपना आगे। पेरेंट्स से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को टाइकोंडो सिखाने की कोशिश करें, मैं कह रहा हूँ टाइकोंडो नहीं, वो किसी भी गेम में सिखाने की कोशिश करें, जिससे कि उनका बच्चा आगे चल के वो चिल्ड्रन वैकेंसी में पार्टिसिपेट करे और अपना आर्मी ज्वाइन कर सके। आसान तरीका ये है। पदक जी, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पदक जीते, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे आप? इसका श्रेय हमारा जो है बच्चों के लिए देना चाहूंगा। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत मेहनती बच्चे हैं। हमारा संस्था का जो उद्देश्य है बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास और सामाजिक विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। इंद्र जी, आपके बच्चों ने बड़ा अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे आप? जी, ये हमारे कोच और बच्चों की मेहनत का परिणाम है और सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है वर्ष भर। और ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं बहुत हैं लेकिन उनको निखारने की एक दिक्कत रहती है। स्कूल ने एक बीड़ा उठाया हुआ है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलकूद में भी आगे ले जाएं, ताकि जिनके अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं हैं वो बाहर निकलें, उनको निखारें और वो गोल्ड मेडल जीत के लाएं, स्टेट लेवल पे ले जाएं, खेलें, कंट्री लेवल पे खेलें, आगे जाते हैं।